खालिस्तानी समर्थक और भगोड़े अमृतपाल को लेकर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों ने इस बार ऐसा खुलासा किया है जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। इस बार ये खुलासा उसकी निजी जिंदगी और दुबई के कामकाज को लेकर हुआ है। खुफिया एजेंसियों की अगर माने तो जब तक अमृतपाल विदेश में रह रहा था वो अमृतधारी था ही नहीं। इसके साथ ही अमृतपाल धर्म को भी नहीं मानता था। दुबई में रहकर उसके नशा तस्करी करने की बात भी सामने आ रही है। रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि जसवंत सिंह नाम के तस्कर के संपर्क में अमृतपाल बना हुआ था, जिसका भाई पाकिस्तान से ही कारोबार को चलाता था। जांच एजेंसियों की अगर माने तो खालिस्तानी अमृतपाल अपनी पत्नी किरणदीप की पिटाई किया करता था और उसे घर में ही कैद करके रखता था। बड़ी बात यह है कि अमृतपाल खुद थाईलैंड घूमकर आता था, लेकिन अपनी पत्नी को कहीं पर भी आने जाने नहीं देता था। शादी हो जाने के बाद से भी किसी ने किरणदीप की नई फोटोज देखी ही नहीं। अपनी इमेज को दुनिया के सामने धाकड़ बनाए रखने के लिए खालिस्तानी अमृतपाल अपनी बीवी और अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात किया ही नहीं करता था। अमृतपाल को लेकर और भी कई खुलासे हुए हैं, जिसमें ये बात सामने आई है कि वो भारत आने से पहले दुबई में ट्रक चलाने का काम करता था, यानी कि वो ड्राइवर के तौर पर नौकरी करता था। साल 2022 तक अमृतपाल ने दुबई में ट्रक ड्राइवर के तौर पर काम किया। फिर दीप सिद्धू की मौत के बाद से वो पंजाब लौटा और वारिस पंजाब डे का प्रमुख बन बैठा। फिर इसके बाद भिंडरा वाले की तरह खुद को वो पेश करने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।